नमस्कार, हम हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में जमकर रिस्पांस मिल रहा है। जी हाँ, और वो जमकर रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। वो ऐसा एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं जिससे वो जनता के दिल में उतर सके। वो पूरी नेताओं की भांति वो ऐसा हर एक कार्य कर रहे हैं जिससे वो सीधे जनता के दिल तक पहुंच सके, और इसमें वो कामयाब होते भी नज़र आ रहे हैं। हाल ही में निरहुआ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फ़ोटो पोस्ट की जहां उनके साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं। इस फोटो को देखकर साफ लग रहा है कि ये महिलाएं भी निरहुआ के सपोर्ट में नज़र आ रही हैं। क्योंकि ये निरहुआ के लिए बहुत ही बड़ी और कड़ी परीक्षा है। अगर निरहुआ अपना लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं तो समझ जाइएगा कि निरहुआ ने वो फतेह हासिल की है जो कि इम्पॉसिबल थी। जी हाँ, अखिलेश यादव के गढ़ में ही उन्हें हरा पाना नामुमकिन सा लग रहा है। यहाँ तक कि निरहुआ सोशल मीडिया पे अब तक सबसे ज्यादा बार ट्रोल हो चुके हैं। निरहुआ को सभी उनके चुनाव लड़ने के लिए खरी खोटी सुना रहे हैं। बट सभी से बेपरवाह निरहुआ अपने काम में जुटे हैं और उन्हें यकीन है कि वो फतेह हासिल कर लेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।